तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। हमारे साथ है सामंत भाई, नवीन सामंत, और सामंत और मैं जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। अभी हम गुरुनाथ मंदिर पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए गुरुनाथ मंदिर, सामंत भाई और मैं। गुरुनाथ माता की जय। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी। देखिए गुरुनाथ माता, गुरुनाथ माता सबको आशीर्वाद देती है। जय माता दी, जय माता। भाई और मैंने एक दूसरे का टीका लगा दिया है, और देखिए हमारा टीका गले में लगा है, कान में भी लगा है, और हम चलते हैं। अभी सफर लंबा है अभी हमारा, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। चलो हम घाट के रास्ते जा रहे हैं, तो अभी मंजिल दूर है। और ये देखिए, ये मटेरी है, इस जगह का नाम मटेरी है। और इधर देखिए मिट्टी इस तरह फिसलती है, और इसके अंदर गुफाएं बनी हुई। एक गुफा पीछे भी है, अभी दिख नहीं पा रही है, बहुत भयंकर गुफा है। और ये देखिए किस प्रकार का, इधर सामने वन है। घाट पुल से आगे कनार पुल पे पहुंचे हुए है। ये देखिए कनार पुल, और हमने ये है अल्दानी जाने की रोड, दनिया वाली, और हमने इस रोड पे जाना है अभी पाताल भुवनेश्वर के लिए। दूनी गांव पहुंचे हुए अभी, इधर से अभी हमने जाना है, लगभग है 38 किलोमीटर और है पाताल भुवनेश्वर। और दिखाता हूँ दूनी गांव का दृश्य। ये देखिए ऊपर दूसरा गांव है, ये तो पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो सामने गाँव दिख नहीं रहा है, लेकिन आज हल्का दिख रहा है। ये है दूनी गाँव, और ये देखिए इधर के लोग घास काट रहे हैं, पूरी साफ सफाई कर रहे हैं। इधर आम बहुत है, आम के पेड़ है इधर बहुत सारे। और ये देखिए इधर से पाताल भुवनेश्वर 38 किलोमीटर, भूली गांव और बैरीनाग 50 किलोमीटर है। अभी हमने आगे जाना है, देखिए ऊपर वाली रोड है, हमने सीधा सीधा जाना है। अभी घाट से बहुत ऊपर आ गए, अभी हम तो लगभग 30-32 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर सा दृश्य है, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। नीचे देखिए सिंचाई के लिए नाली बनी हुई है, क्या बोलते हैं यार इनको, जो पानी डालते हैं वो सिंचाई के लिए, नहर, नहर, नहर बनी हुई है। और इस गांव में हमने देखा पानी की बहुत कमी है, हैंडपंप खुदे हुए हैं, और गांव में कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इधर एक भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है पानी का। ये देखिए सारे इधर गांव के लोग बकरियां चराने पे, पूरा जोर बकरियां चराने पे। इधर रास्ते भर हमने 100 बकरी वालों को देख लिया, बकरी चराते हुए, बुड्ढे से लेकर बच्चों तक बकरी चला रहे, लेकिन और कोई, इनको पानी कुछ है ही नहीं इस गांव में, पानी का पूरा सूखा पड़ा हुआ है इधर। ये देखिए यहाँ पे सामंत भाई, देखिए दूनी गांव दिख रहा है। ये देखिए अभी पूरा दूनी गांव का दृश्य, देखिए पहाड़ों में वो नीचे से ऊपर तक घर बने हुए, और यहाँ की रोड देखिए अति सुंदर रोड। ये देखिए रोड के साइड में क्यों बंडल लाइन है, जो भी बोलते हैं, गाड़ी वाड़ी नीचे ना गिरे इसके लिए। देखिए वो टॉप तक है, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। ये देखिए ऊपर गाँव है, ये बहुत ही सुंदर सुंदर से गांव है, वो टॉप तक रोड गई हुई है, लेकिन इधर पानी की कमी है, और तो सब कुछ ठीक है इस गांव में। ये देखिए इन गांव वालों को सिर्फ बकरी चराने पे ज़्यादा जोर है। और ये देखिए गांव घर अति सुंदर है। ये गांव मुझे लग रहा है पलायन के कारण ज़्यादा विकसित नहीं हो गया, इधर के लोग पलायन कर गए हैं लग रहा है, जिस हिसाब से इधर पानी की कमी है। खेत देखिए, खेत सूखे पड़े हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे लंबे लंबे खेत हैं। जंगल भी सही है, जंगल देखिए, जंगल कभी शिकार के ले जाओ तो जंगल में बहुत ही अच्छा है जंगल। अभी जंगल के रास्ते आया, उधर भी पानी नहीं था। अभी चलते हैं आगे, मंजिल बहुत दूर है अभी हमारी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इतनी भयंकर गुफा है, और ये गुफा के अंदर का दिखाते हैं, वो देखिए बहुत आगे तक है, ये नीचे जाने का रास्ता जैसा भी है इधर से। और ये देखिए इधर अंदर, बहुत अंदर तक है, इसके अंदर और भी है, हमें अभी, हमें लेट हो जाएगा, नहीं तो हम दिखाने वाले थे। ये देखिए इधर भी है, पूरी खाई बनी हुई है, और वो देखिए सामने गुफा। थोड़ा सा नीचे जाके मैं दिखाता हूँ, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाके आपको इस ओडियार, ओडियार का दिखाऊँगा। ये देखिए आगे भी बहुत आगे तक है, और ये देखिए ये आगे भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है, अंदर ही जाना पड़ेगा अच्छे से देखने के लिए। ये देखिए बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक, अविश्वसनीय चीज़ें देखने को मिल रही है हमें रास्ते पे। ये देखिए इधर
इसके अंदर तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अंदर तक है। जय हो शंभू, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। देखिए अभी हम भंडारी गांव पहुंचे हुए, और ये देखिए भंडारी गांव वालों ने इधर क्रिकेट खेलने के लिए फील्ड बना रखा है, बहुत ही सुंदर सी जगह। ये देखिए अपने गाय बैल चढ़ा इधर लगा रखे हैं इन्होंने, देखिए मजे, गाय बैलों के बहुत ही मजे, बहुत ही आनंद माई घापूरा घास ही घास। वो देखिए स्कूल है उधर पे भंडारी गांव का। अभी ये देखिए गंगोली हाट 7 किलोमीटर है, अभी हमें सफर मंजिल की बहुत ही नज़दीक पहुंच गए। और वो देखिए गाय बैल मस्त मगन होते हुए घास खा रहे हैं, अभी चलते हैं हम। ये देखिए ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, ये मतलब जैसे हम 8th और 5th के बाद जैसे उसमें परीक्षाएं होती है, और परीक्षा में पास होने पर इस विद्यालय में पढ़ने का सुनहरा मौका मिलता है। और इधर मतलब पूरा खतरनाक ही रहता है, सुबह 4 बजे से 8 रात को 10 बजे तक ड्रिल रहती, वो अपना आना पड़ता है। और ये देखिए ये हॉस्टल है, इसमें रहना खाना पीना सब इधर ही रहता है राजीव नवोदय विद्यालय में। और ये देखिए बहुत ही काम चल रहा है उधर, काम कार्य प्रगति पर है। और इधर से बड़े बड़े साइंटिस्ट भी निकले हुए हैं, और क्या कहा जाए स्कूल के बारे में तो आपको लोगों को पता ही होगा क्या है सीन शॉट। ये देखिए अभी हम गुप्तड़ी में पहुंचे हुए, अब यहाँ से पाताल भुवनेश्वर नीचे की ओर 8 किलोमीटर है, और देखिए और जगह भी कितने कितने किलोमीटर है। और ये देखिए अभी हम यहाँ से नीचे, और ये है धारचूला जाने वाली रोड, ये पिथौरागढ़ की ओर घाट जाने वाली रोड, और ये है पाताल भुवनेश्वर जाने वाली रोड। ये अभी हम पाताल भुवनेश्वर पहुँच गए, देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा, और ये हमने प्रसाद ले लिया है, और ये देखिए यहाँ से लिया हेलमेट इनको दे दिया है, अभी हम जा रहे हैं। देखिए श्रद्धालु गण आ रहे हैं इधर से, देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार में आया था लगभग 1 हफ्ते पहले आया हुआ था, फिर मैं दोबारा, फिर मेरे मन में पता नहीं भक्ति जाग गई, फिर मैं दोबारा आने का बहुत ही मन कर रहा था, तो फिर मैं आज शुभ दिन आया हुआ हूँ। आने से पहले पर्यटक कुमाऊँ मंडल विकास निगम है पर्यटक आवास ग्रह, ये देखिए पाताल भुवनेश्वर, इसमें बताया गया है किस प्रकार से है ये, क्या क्या देखा जा सकता है इधर से। और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये देखिए पाताल भुवनेश्वर की ओर सामंत भाई और मैं जा रहे हैं, दोनों एकदम टीका लगा के चंदन लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। पाताल भुवनेश्वर की ओर जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं अभी हम, देखिए पहुंचने वाले हैं, सामने मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए पाताल भुवनेश्वर का गेट, इधर से पाताल भुवनेश्वर की ओर अंदर, इधर ही जमा हो जाते हैं। इससे आगे की वीडियो अगले वीडियो में दिखाई जाएगी।